कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 पांचवी का नवा सिद्ध करो कि कोसे के माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में से के माइनस का से बराबरी से 1/10 ए प्लस काटे। कभी कभार कुछ ऐसे प्रश्न आते जिससे LHS से एकदम से RHS पर पहुंच पाना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम LHS से हल करके जहाँ तक भी आसानी से हल होता है उसको समीकरण एक देते, फिर हम RHS को हल करते और कोशिश करते हैं कि LHS के द्वारा प्राप्त हल और RHS के द्वारा प्राप्त हल से जो दो समीकरण बन रहे हैं वो दोनों बराबर आए। अगर ऐसा हो जाता है तब भी हम समीकरण एक और दो की कंडीशन को लिखते हुए कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। या हम ऐसे ही करेंगे, पहले LHS लेते हैं और LHS से हम जहाँ तक आसानी से पहुँच सकते वहाँ तक पहुँचेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या लिया LHS। LHS हमारे पास क्या था, कोसेके माइनस साइन ए पहला पद और दूसरे ब्रैकेट में था सेके माइनस कॉसे। हमें से सब जानते कि कोसेके को हम 1/sin a में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगली स्टेप में ये कोसेके बदल गया किस में, 1/sin a में माइनस साइन ए, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब एक। सेके को भी उसी प्रकार से हम सेके को कन्वर्ट कर दिया 1/cos a माइनस कॉस ए के बटे में कुछ नहीं था मतलब एक। जब हम साइन ए और एक का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो साइन ए ही आएगा, साइन ए का साइन ए में भाग देंगे तो एक भर जाएगा, ऋण एक का भाग साइन ए में देंगे तो साइन ए भर जाएगा और साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। कॉस ए और एक का एलसीएम कॉस ए आएगा, इसका इसमें भाग देंगे एक भर जाएगा एक, ऋण एक का भाग कॉस ए में देंगे कॉस ए भर जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम जो जानते हैं उस को देखिए, तो हम क्या जानते, हम जानते हैं कि हम ये जो 1-sin² a है, 1-sin² a इसको किस में कॉस स्क्वायर ए में लिख सकते हैं, इसको हम भली भांति जानते हैं। पुनः दूसरा क्या जानते, दूसरा हम जानते कि ये जो 1-cos² a है इसको भी हम किस में sin² a में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों अंश के पद अगली स्टेप में बदले हुए मिलेंगे। कैसे, 1-sin² a cos² a में बदल जाएगा, बटे में है साइन ए, गुणित 1-cos² a sin² a में बदल जाएगा, बटे में क्या है कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो यहाँ जो आसानी से आपको पद मिला वो है कॉस ए इंटू साइन ए, इसको हम समीकरण एक कह दे रहे हैं। ये LHS का हल है। अब हम RHS लेंगे मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास है 1/10 ए प्लस काटे, 10 ए प्लस काटे। अब हम जानते 10 ए मतलब क्या होता है, तो 10 ए मतलब होता है साइन ए बटे कॉस ए, और ये जो काट ए है वो क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए। यहाँ एलसीएम लेंगे, बटे वाले पद का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो बटे वाले पद का जब आप एलसीएम लेंगे मतलब कॉस ए और साइन ए का आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। जब कॉस ए का भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए, और साइन ए का साइन ए में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का भाग देंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। पुनः ध्यान से देखें, हम में से सब जानते हैं क्या कि यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो तो इसको हम किस में एक में कन्वर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में, तो अगली स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1/1 और उसके भी बटे
कॉसे इंटू साइन है। आप ध्यान दीजिए, ये संख्या पलटेगी, ये संख्या पलट के कुछ इस प्रकार से बनेगी। एक के बट्टे में कुछ नहीं था, मतलब एक बट्टे कॉस ए साइन ए पलट के हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए बटे कितना, एक। कंडीशन को ध्यान से देखिए तो बटे के एक का हम जानते, प्रत्येक पद के बटे में क्या होता है, एक, तो उसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ये समीकरण आ गया कौन सा, दूसरा। हम क्या पाते हैं, अब यदि हम ध्यान दें कौन से समीकरण को, इस दूसरे समीकरण को, और ध्यान दें कौन से समीकरण को, इस पहले समीकरण को, तो हम क्या पाते हैं कि हम LHS को हल किए तो समीकरण एक आया, कॉस ए इंटू साइन ए, और RHS को हल किया तो ये समीकरण दो आया, और दोनों के दोनों पद ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों पद कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम लिख सकते हैं क्या कि समीकरण एक, कौन सा समीकरण एक, हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक कैसा है, समीकरण दो के बराबर। परंतु ये तो क्या था, समीकरण एक LHS से आया था और समीकरण दो RHS से आया था, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, और हम लिख सकते हैं क्या, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद।